What's up everybody, I'm Bilal and welcome to my second vlog. आज मैं एक documentary बनाने के लिए जा रहा हूँ और मैं भी अपने colleagues को pick करने के लिए जा रहा हूँ और आज हम लोग कराची के ऊपर documentary बना रहे हैं, तो कराची को cover और shoot करने वाले हैं आज, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। तो मैं अब बहरिया टाउन कराची में हूँ और यहाँ तक का जितना शूट था वो सारा कर लिया है और अब कुछ खाने पीने जा रहे हैं। कराची पे हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और हमारे पास एक भी कराची की लोकेशन की परमिशन नहीं है, तो अगर आपको इस तरह की कुछ शूटिंग करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी हो और किस तरीके से बगैर परमिशन के शूट करनी हो, उसकी एक कुछ टिप्स देता चलता हूँ। सबसे पहली टिप ये कि अपने साथ एक अदद लड़की को रखें, क्योंकि लड़की साथ होती है तो एक ये हो जाता है कि पुलिस वाले तंग नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन तंग नहीं करती, आपका इक्विपमेंट जो है वो चोरी नहीं होता, वो लेकर नहीं जाते, ये सब चीज़ों की जो है गारंटी मिल जाती है जब एक या दो लड़कियां आपके साथ होती हैं शूट में। टिप नंबर टू, हमेशा अपने साथ दो कैमरे रखें, एक DSLR और एक अच्छा सा फ़ोन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पर आप DSLR तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते, तो आपको एक अच्छा मोबाइल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर आप एक गोरिल्ला शूट कर सकते हैं। दोस्तों, कल मैं अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर सका, कल हम लोग को शूटिंग करनी थी और जगह बहुत ज़्यादा थी तो व्लॉग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो कल हम बात कर रहे थे टिप्स के बारे में, अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना हो कराची के अंदर किसी जगह की लोकेशन की शूट करनी हो तो उसकी विदाउट परमिशन आप कैसे शूट कर सकते हैं, तो टिप नंबर तीन ये है कि पुलिस वालों से आप वर्बली इजाज़त ले लें, क्योंकि कल हम लोग जब गए तो दो तलवार और तीन तलवार की हम लोग को राउंड अबाउट की एक टाइम लैप्स लेना था, तो वो लेने के लिए हम पुलिस वालों के पास गए और उन्होंने बगैर ही कोई तंग किए, कोई मसला किए, उन्होंने फ़ौरन इजाज़त देने का, हाँ करें आप बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। तो वही बात, टिप नंबर वन, हमारे से शायद लड़की थी इसलिए उन्होंने कोई मसला नहीं किया, तो इनफैक्ट वो तो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ बाहर से खड़े होकर रोड से क्यों बना रहे हैं इसकी मॉन्यूमेंट की, आप टाइम लैप्स आप अंदर जाके बनाएं, आप चौरंगी के अंदर चले जाएँ बिल्कुल। तो टिप नंबर फोर ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का एक परमिशन लेटर होता है, वो आप अपने पास साइन करवा के अपने टीचर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से साइन करवा कर अपने पास रखें। हमारे पास भी लेटर था लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली टीचर का साइन नहीं था उससे, और ये बड़ा मसला हुआ हमारे लिए, क्योंकि अगर ये हो जाता तो हम लोग को थोड़ी और आसानी हो जाती शूट करने में। तो अगर आप लोगों का कोई इसी तरह का यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है तो ज़रूर आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी का एक लेटर अपने पास रखें, परमिशन लेटर, क्योंकि अगर आपके पास लोकेशन की परमिशन हो ना, अगर आपको यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट की परमिशन होगी तो वो आपको तंग नहीं करेंगे, उतना तंग नहीं करेंगे, आपके पास एक एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी होगी कि आप जो है ना वो एक इदारे से आए हैं और स्टूडेंट हैं और आप शूट करने के लिए आए हैं, आप कोई टेररिज्म वगैरह के लिए, इस तरह आजकल सिक्योरिटी इतनी सख्त की हुई है, टेररिज्म का खदशा रहता है कि भाई वीडियो बना रहा है कोई भी वारदात तो नहीं करना चाहता, ये एक शक होता है लोगों के दिलों में, तो वो नहीं आएगा कि एटलीस्ट ये एक स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी से आए हैं।
तो ये थी मेरी 4 टिप्स, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और फ्यूचर में करें कहीं आप लोगों का कहीं लोकेशन वगैरह पे शूट करने का कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो और आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आई होप ये टिप्स आप लोगों के काम आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज करें। पीस आउट।